OBOR पर भारत का समर्थन हासिल करने की चीन की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया कि भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता का नाम और पहचान उजागर नहीं की जा सकती है, चाहे उसकी मौत ही क्यों ना हो गई, क्योंकि मृतक की भी अपनी गरिमा है। नाबालिग से बलात्कार के मामले में जोधपुर की अदालत ने आसाराम बापू को दोषी करार दिया है। आसाराम के साथ ही चार अन्य अभियुक्तों को भी दोषी करार दिया गया है। आसाराम के साथ ही शिवा, शरद चंद्र, शिल्पी और प्रकाश को दोषी करार दिया गया है। भारत में प्रतिवर्ष पैदा होने वाले तकरीबन 62 मिलियन टन कचरे से जापान बिजली पैदा करना चाहता है। जापान ने अपनी तकनीक से भारत के कचरे से बिजली उत्पादित करने की पेशकश केंद्र सरकार को की है। जानकारी के अनुसार एक उच्च स्तरीय बैठक में, जिसमें जापान के मंत्री ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को अपनी तकनीक से अवगत कराया और बताया कि इस तकनीक के जरिए भारत के कचरे का बड़ा भाग बिजली में परिवर्तित हो सकेगा। इप्सोस मोरी द्वारा किए गए सर्वे में भारत सहिष्णु देशों की लिस्ट में चौथे स्थान पर है। कनाडा, चीन और मलेशिया के बाद भारत का स्थान आता है। इस सर्वे की स्टडी को 27 देशों में किया गया है। सर्वे के मुताबिक 63% भारतीय अलग अलग बैकग्राउंड, संस्कृति या दृष्टिकोण वाले लोगों के पॉइंट्स पर भारत को सहिष्णु देश मानते हैं।